भारत हर वाकया खुद तैयार करता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। जंग की धमकियों के बावजूद कौम पीएसएल से लुत्फंदोज हो रही है। पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर है, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की तिजारत तबाह हो जाएगी? नहीं, फिक्र ही कोई नहीं। लोग पूछ रहे होते आज मैच के जाए तो इस वजह से अकलमंद के लिए इशारा काफी है, मोदी सरकार के लिए और इंडियंस के लिए। और अपनी बात का अख्तिताम इसी बात पे करूंगा, हम चाहते हैं, हमारा कोई जंग से लेना देना नहीं है। हमने एटम बम, हमने ये सारे मिसाइल, ये हम अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रखे। लेकिन गले में जब ढोल बांध दिया जाए तो उसको बजाना पड़ता है, उसको बजाना पड़ता है। तो खुदा का वास्ता है, जंग का ढोल हमारे गले में मत बांधना, वरना ऐसा बजाएंगे कि 130 करोड़ जाना फिर नाचने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारी मर्जी पे नाचेंगे वो, ऐसा ढोल बजाएंगे, ठीक है ना? हाँ, बस इतना ही काफी है। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से मैंने कहा है। आजकल मुझे बुलाते हैं ये अपने शोज में, आखिरी बात कर जाऊं। मैंने 4 सालों में एक चीज सीखी और देखी। मैं शुरू शुरू में 2-3 शोज में गया, ये 5 इंडियंस बैठा देते थे, कोई ब्रिगेडियर कर्नल जनरल जेडी बख्शी, वो एक मूछों वाला, उसको हमेशा बैठाया होता था। और हमारा जो माइक है ना, इधर से मूना आलम अक्सर होती थी मेरे साथ, बड़ी मशहूर, बड़ी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी एंकर है जो वो पीटीवी में, और 2-3 हमारी तरफ से बाबे बुला देते थे 80-80 साल के। वो बेचारे अपनी इंग्लिश ही सीधी करते रह जाते थे, उतनी देर में वो इंडियंस जो है वो किधर के किधर पहुंच जाते थे। मुझे पहले एक दो दफा बुलाया, मैंने पहले प्रोग्राम में देखा इनका स्टाइल कि ये सीधी सीधी गालियां देते थे पाकिस्तान को, सीधी सीधी पाक फौज को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी माशरे को। मैंने पहले प्रोग्राम में उनका अच्छा खासा बंदोबस्त किया, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैंने तय कर लिया, मैंने कहा अब जाना है तो इनके स्टाइल पर ही करनी है बात। आप यकीन जाने, पहले 3 प्रोग्रामों में जो मैंने इनके साथ किया, आप अभी सोशल मीडिया में जस्ट फयाज चौहान इंडिया लिख दें, आपके पास बीसियों क्लिप्स आ जाएंगे। इनकी वो मैंने क्लास ली, लेकिन जो मुझे हैरानगी हुई वो बड़ी दिलचस्प है। 4 प्रोग्राम करने के बाद मैंने बाइकॉट कर दिया इनका। मैंने कहा यार, आप एक तो मेरी माइक म्यूट कर देते हो जब मैं आपकी क्लास लेना शुरू करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स में, बड़े लो लेवल के लोग हैं ये इंडियंस, जिगरा नहीं है। हम पाकिस्तानी एंकर्स बुलाते हैं ना मीडिया चैनल में, आप देखते हैं तसल्ली से, बरखा दत्त से लेके हर कोई जनाब अपनी गुफ्तगू कर रहा होता है। हमारे मतलब ये तसव्वुर नहीं है इंडियन चैनल्स में, वो अपने बंदों की बात करेंगे, जैसे ही हमारा बंदा बोलना शुरू करता है वो आवाज़ म्यूट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मैंने इस वजह से बाइकॉट कर दिया। 2 महीने मैं नहीं गया, हर रोज़ मुझे 3 फोन आए जी, हर रोज़, कभी कोऑर्डिनेटर का,